हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास थर्ड मैथमेटिक्स प्राची पब्लिकेशन. इट इज़ चैप्टर नंबर 6 डिवीजन एक्सरसाइज 6.3. यू कैन सी टोटल 19 क्वेश्चन आर देयर इन एक्सरसाइज 6.3. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्यू क्वेश्चन. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज 86 डिवाइडेड बाई 2. सबसे पहले आप अपने सी डब्ल्यू में साइड से 2 का टेबल लिख लीजिए. अब हम डिवाइड करेंगे 86 by 2. सबसे पहले हम वंस फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे, इट इज़ 8. अब आप देखिए, क्या 2 के टेबल में कहीं पर आपको 8 दिखाई दे रहा है? यस, है ना. हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. तो हमने लिया टेबल 4 टाइम, हमें मिला 8. अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 minus 8 हमें मिलेगा 0. Now we are going to down 6. अब हम ये चेक करेंगे, क्या हमारी टेबल में कहीं पर 6 है? यस. हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2, 3. अब हम 3 टाइम्स टेबल लेंगे, 6 के नीचे 6 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिला 0. यानी इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है 43, रिमाइंडर है 0, डिविडेंड है 2, ठीक है, डिविजर है 2 और हमारा डिविडेंड है 86. अब इसे अगर हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. क्वेश्चन में हमसे वेरीफाई करने के लिए भी कहा गया है. तो वेरीफाई कैसे किया जाता है किसी भी क्वेश्चन को? वेरीफाई का फॉर्मूला होता है डिवीजर इनटू क्वेश्चन इज इक्वल टू, हमें मिलना चाहिए डिविडेंड, है ना. मैंने आपको अभी बताया डिवीजर क्या है, डिविडेंड क्या है और क्वेश्चन क्या है. तो डिवीज़र यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमारे पास डिवीज़र है 2, क्वेश्चन है हमारे पास 43 और डिविडेंड है हमारे पास 86. आइए इसे चेक कर लेते हैं हम. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 86 इज इक्वल टू 86. यानी हमने जो सॉल्यूशन किया है, जो आंसर फाइंड किया है, वो राइट आंसर है. इस तरह से सभी क्वेश्चन में आपको चेक करना है. पहले आप डिवीज़र क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कीजिए और आपको अगर डिविडेंड मिल जाता है, यानी आपका सॉल्यूशन राइट है. अगर आपको इक्वल नहीं मिलते हैं दोनों साइड्स, तो आपसे कहीं पर आंसर फाइंड करने में कोई मिस्टेक हुई है. आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 90 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ पर मैंने 3 का टेबल लिख लिया है. आप भी सी डब्ल्यू में सबसे पहले 3 से डिवाइड करना है तो 3 का टेबल लिख लीजिए. जिस भी नंबर से डिवाइड करना है, पहले आप टेबल लिखिए, उसी के बाद आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा ठीक है. अब हम ले रहे हैं फर्स्ट नंबर 9. आप चेक कीजिए, क्या 3 के टेबल में कहीं पर 9 है अवेलेबल? यस. हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. तो यहाँ मैंने 3 टाइम टेबल लिया है, तो ऊपर 3 लिखते हैं, 9 के डाउन में 9, और इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिला 9 minus 9, 0. अब हम डाउन करेंगे 0. तो 3 के टेबल में तो 0 है ही नहीं, तो 3 का टेबल 0 टाइम लेंगे तो हमें क्या मिलता है? 0. तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारा जो डिवीज़र है, डिवीज़र हमें मिल रहा है 3, क्वेश्चन्ट हमें मिल रहा है 30 और डिविडेंड हमें मिल रहा है 90. अब हम इस आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं. वेरीफाई करना मैंने आपको अभी सिखाया. वेरीफाई करने का फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है. क्या फॉर्मूला है हमारा? डिवीज़र इनटू क्वेश्चन्ट प्लस डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड. डिवीज़र की वैल्यू हमारी 3 है, क्वेश्चन्ट हमारा 30 है, डिविडेंड हमारा 90 है. अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 0 3, 3 3 ज़ा 9, 90 इज़ इक्वल टू 90.
ये दोनों साइड सेम आ गई और सेम आई। 8 मीन्स हमने जो सॉल्व किया है या हमने जो आंसर फाइंड किया है वो राइट आंसर है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन के डिविजर, क्वेश्चन और डिविडेंड फाइंड करने हैं और उनके आंसर्स को वेरीफाई करना है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड सॉल्व करना सिखाया है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का सॉल्यूशन भी एक बार दिखा देती हूँ। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें डिवाइड करना है 3639 बाय 3। 3 का टेबल हम लिख लेते हैं जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है। अब देखिए किस तरह से आप करेंगे इसे सॉल्व। आप देख रहे हैं हमें 3 चाहिए और कितने टाइम्स में मिल रहा है 3, वन टाइम में। 3 1 3 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब डाउन कर रहे हैं हम 6, 2 टाइम्स में हमें 6 मिल रहा है। 6 - 6 0। अब हम डाउन करेंगे 3, वन टाइम में हमें 3 मिल रहा है। वन टाइम यहाँ लिख के 3 सब्ट्रैक्ट किया हमने। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 9, 3 टाइम्स में हमें 9 मिल रहा है। 9 - 9 0। इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 1 3, डिवीज़र हमारे पास है 3 और डिविडेंड हमारे पास है 3639। तो अब इसे वेरीफाई किस तरह से करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम वैल्यूज़ रखते हैं। आप देखिए वैल्यूज़, डिवीज़र की वैल्यू हमारे पास है 3, क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 1 3 और डिविडेंड हमारा है 3639। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। इस तरह से LHS RHS हमारा इक्वल मिल रहा है। 8 मीन्स हमने जो सॉल्यूशन किया है ये राइट सॉल्यूशन है। सेम लाइक दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम 8 का टेबल यूज़ करेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। अभी फर्स्ट टाइम हम 8 1 8 ले रहे हैं। 8 में से 8 माइनस किया, हमें 0 मिला। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 1। अब आप देख रहे हैं 1 इज़ स्मॉलर देन 8, तो इस कंडीशन में हम 0 टाइम टेबल लेकर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम डायरेक्ट 2 डिजिट्स एक साथ डाउन नहीं कर सकते, हम 6 को डाउन नहीं कर सकते। पहले हमें 0 टाइम टेबल लेकर इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब हम डाउन कर सकते हैं 6। 16 हमें 2 टाइम्स में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 16 लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 8। हाउ मेनी टाइम्स? 8 1 8, 1 टाइम। इस तरह से आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन है 1 0 2 1, डिवीज़र है 8 और हमारा डिविडेंट है 8 1 6 8। जब इसे वेरीफाई करेंगे तो सेम फार्मूला जो हमने फर्स्ट, सेकेंड और 18 क्वेश्चन में अप्लाई किया है, सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। डिवीज़र इंटू क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 8, 8 2 16, कैरी ऑन 1 लेंगे यहाँ पे। 8 0 0 प्लस 1 1, 8 1 8। इस तरह से हमारा LHS RHS इक्वल आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन क्लियर हैं। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 18 और 19 एक्सप्लेन किए हैं, सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप बाकी सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपल डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले आप अपनी CW में जो भी टेबल है वो टेबल लिख लीजिए, जो नंबर है उसे सर्च कीजिए, वो नंबर मिल जाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है और उसे वेरीफाई करना है और आपकी एक्सरसाइज 6.3 CW में आपको कंप्लीट करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।